हेलो पीपल, वेलकम बैक टू बैचलर्स डेलिकेसीज। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से उड़द दाल मसाला। आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कप उड़द दाल ली है। इसमें हमें एक चम्मच तेल डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने डाली है आधी चम्मच हल्दी। बस इसको अब मिक्स करके हमें इसे पकाना है। आप चाहे तो मिक्स दाल भी यूज़ कर सकते हैं या छिलके वाली उड़द भी यूज़ कर सकते हैं। तो दाल को पकाने के लिए पहले मैंने हाई फ्लेम पर कुकर को रखा, इसमें एक सीटी आने दी। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर करके दो और सीटी लगाई। इसके बाद गैस बंद करके मैंने इसे अपने ही प्रेशर में 15 से 20 मिनट तक पकने दिया और छेड़ा नहीं। तो दाल पकने के बाद अब बारी है तड़के की। तो तड़के के लिए हम ऑब्वियसली घी यूज़ करेंगे। घी के हेल्थ बेनिफिट्स होने के साथ साथ दाल में टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो अब हमें घी को गरम करना है। घी को गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा जब चटकना स्टार्ट हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट में मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को ग्राइंड किया है और उसमें एक चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है। ये सारा पेस्ट घर पर ही बना है और जिस मिक्सर में मैंने ये पेस्ट बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको अब इसको अच्छे से चलाना है जब तक ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए, और आपको ये तब तक चलाना है जब तक ये प्याज का जो पेस्ट है वो लाइट ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। 5 मिनट बाद आपको दिखेगा कि ये ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। ये टोमेटो प्यूरी भी मैंने मिक्सर में ही बनाई है। ये टोमेटो प्यूरी में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी हमारे पैन को डीग्लेस करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चॉप्ड हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसके बाद इसमें पड़ेंगे मसाले। मसाले में हम डालेंगे करीब करीब 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कम यूज़ करा है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दाल में पहले से ही ऐड किया है, तो आप ज़्यादा नमक मत यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक और डाला है। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ कम ही यूज़ करी है। और उसके पहले हरी मिर्च भी हमने डाली थी, तो ध्यान रखें कि मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें हम बॉईल आने देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये मसाला इस तरह से ड्राई होना शुरू हो जाए, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, इसके बाद अब हम डालेंगे हमारी उबली हुई दाल। हमारे मसाला पकने की पहचान ये होती है कि जब ये ऑयल पूरा सेपरेट हो जाए और ये मसाला आपस में जुड़ने लगे। तो इसके बाद हम दाल को एक अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें एक बॉईल आने देंगे और इस तरह से मैश करने की कोशिश करेंगे जिससे कि दाल थोड़ी सी घुट जाए। बॉईल आने के बाद हम इस दाल को 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि मसाला अच्छे से ब्लेंड हो जाए और दाल में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। इसको अब हम बस 5 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हम हमारा फेवरेट काम करेंगे, जो कि है सर्विंग। अब इसको एक अच्छी सी डिश में सर्व करिए और इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग करना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये दाल पक जाए तो इसके डिलीशियस पराठास कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।